हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा एक लग्जरी फ्लोर की। और बात करेंगे हम लोकेशन की, बात करेंगे हम डेवलपर की, बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट की, बात करेंगे हम कनेक्टिविटी की और बात करेंगे हम ऑफर की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन रहेगी सेक्टर 93, जो कि एक रियाज एरिया जो है हमारा उसके बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा और जो हमारी फैसिलिटीज ऑपरेशनल है उसके बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं डेवलपर की। डेवलपर रहेगा सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल ने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है सेक्टर 93 के अंदर, जो कि एक इंडिपेंडेंट फ्लोर है और एक गेटेड कॉम्प्लेक्स रहेगा सभी फैसिलिटीज के साथ में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साइज की। तो जो साइज डेवलपर यहाँ पे लेके आया है, साइज 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट, 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट, 3 BHK प्लस स्टडी प्लस 3 टॉयलेट, और एडिशनल में क्या दे रहा है, बेसमेंट के अंदर एक ऑफिस स्पेस दे रहा है जिसका साइज रहेगा 300 स्क्वायर फीट। और ये ऑफिस स्पेस जो रहेगा 3 फ्लोर के लिए रहेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर, इन 3 फ्लोर के लिए रहेगा ऑफिस स्पेस। जो हमारा फोर्थ फ्लोर वाला जो रहेगा उसके लिए टेरिस रहेंगे, और टेरिस का भी जो यहाँ पे साइज रहेगा तकरीबन हमारा 750 स्क्वायर फीट का टेरिस का साइज रहेगा जो स्पेस मिलता है यानी। और इसमें जो हमारा साइज रहेगा, अगर मैं साइज की बात करता हूँ, जो सबसे बड़ा साइज है 1535 स्क्वायर फीट प्लस 300 स्क्वायर फीट फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फ्लोर के लिए। अगर यही चीज़ आ जाता है फोर्थ फ्लोर पे 1530 प्लस हमारा 750 स्क्वायर फीट, तो ये साइजेस रहेंगे। और जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, डेवलपर यहाँ पे फुल्ली लोडेड फ्लोर आपको प्रोवाइड करा रहा है, चाहे वो ऑफिस स्पेस है वो भी फुल्ली लोडेड है, या हमारा फ्लोर है वो भी फुल्ली लोडेड है, ये फुल्ली लोडेड आपको स्पेस प्रोवाइड करा रहा है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं आप ऑफर की। आप 1 लाख रुपए से बुकिंग करा सकते हैं और 1 लाख रुपए के साथ में अपनी 5 लाख रुपए तक की 4-व्हीलर कार यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑफर चला हुआ है। फुल्ली लोडेड है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, रियाज एरिया के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। तो ये थी डेवलपर की चीज़ें। सिग्नेचर ग्लोबल एक ऐसा पहला डेवलपर है जिसने सबसे पहले दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर शुरू किए थे और पोजीशन दी हुई है, और रियाज एरिया के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, जो कि मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, एक अच्छी लोकेशन है। मेन 84 मीटर रोड के ऊपर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, जो सबसे अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है। और आइए आज जो हम देखते हैं हमारी लोकेशन कहाँ पे पड़ेगी, द्वारका एक्सप्रेसवे के सराउंडिंग में, जो हमारा क्लोवली फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ से अपनी साइट विजिट स्टार्ट करते, और आसपास में क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो हम बाई रोड देखते हुए आते हैं और साइट पे पहुँचते हैं। बाद की बातें हम बाद में करते हैं। आपकी कोई भी त्रुटि है या मेरे थ्रू कोई त्रुटि हो जाती है या आपको यहाँ पे बुकिंग करनी है तो उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझे आपको विजिट करनी है तो विजिट के लिए मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। सबसे पहले जो हमारी साइड विजिट है एक अच्छे तरीके से मैं आपको वो कराता हूँ। आइए चलते हैं क्लोवली फ्लाईओवर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो लोकेटेड हैं वो है CPR रोड के ऊपर। CPR रोड का वो पार्ट है जहाँ पे कि आप देख सकते हैं सामने जापानीज कंपनी का प्रोजेक्ट है ये क्रुशुमी, और ये वाली जो लैंड आ जाएगी बराबर में ये आ जाएगी ISBT की, और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इसके उधर जो लैंड आ जाएगी वो आ जाएगी हेलियाब और ग्लोबल सिटी की। ये कुछ पार्ट है यहाँ पे जो ऑपरेशनल हो चुका है क्लोवली फ्लाईओवर का अंडरपास, जहाँ से गाड़ियाँ निकल के गई हैं अभी, और ये बना हुआ है पार्ट, ये पूरा ऑपरेशनल है। ये सेक्टर 84 में एलान ग्रुप का एक कमर्शियल है भाई ने मिराकल। आइए आगे का पार्ट देखते हैं फिर चलते हैं ऐसे। ये वो पार्ट है जो कि क्लोवरली फ्लाईओवर का है जो ऑपरेशनल हो चुका, पहली बार ही आप किसी वीडियो में देख रहे हैं, और वो वीडियो है सनशाइन कंसल्टेंट की। तो आइए अब दिखाता हूँ थोड़ा सा द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट, फिर चलते हैं साइड के ऊपर। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है और बराबर में सेक्टर 88 जो कि एक कमर्शियल सेक्टर है। यहाँ से सीधे जाते हैं तो चले जाते हैं दिल्ली, दिल्ली द्वारका 21 मेट्रो स्टेशन सेक्टर 21 और एयरपोर्ट। ये क्लोवरली फ्लाईओवर का पार्ट है, और इधर से हम अभी आ रहे हैं CPR होते हुए, और यहाँ से चलेंगे सेक्टर
93 सिग्नेचर ग्लोबल जो नया प्रोजेक्ट आया हुआ है वहाँ पे। तो ये जो मैं आपको लैंड बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ग्लोबल सिटी और हेली हब की है। ये इधर आगे जो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आशियाना और इसके बराबर में गोदरेज, आइकॉन और ओशिस। अब यहाँ से चलते हैं सेक्टर 93। आइए करते हैं स्टार्ट। अब हम इस क्लोवरली फ्लाईओवर से चल रहे हैं सेक्टर 93। 2 से 3 मिनट का डिस्टेंस रहेगा और सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। अभी राइट हैंड पे जो सेक्टर है 88, जो कि एक कमर्शियल सेक्टर है, और लेफ्ट हैंड पे सेक्टर 84 था, ये हमारा मल्टीयूटी कॉरिडोर था। और लेफ्ट हैंड पे 85 सेक्टर है जिसमें गोदरेज ग्रुप का प्रोजेक्ट है, गोदरेज एयर। उसके बाद आ जाता है VSR पार्क स्ट्रीट मॉल बन रहा है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सती दादी चौक। लेफ्ट जाएंगे हम NH8 DLF अल्टीमा होते हुए, और इसी लेफ्ट पे हमारे 4 मॉल ऑपरेशनल हैं जिसमें खाने पीने के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड सारे ही अवेलेबल हैं। और सती दादी चौक पार करने के बाद ये DLF की यहाँ पे टाउनशिप शुरू हो जाती है। राइट हैंड पे जो प्रोजेक्ट चमक रहा है DLF रीगल गार्डन, DLF का ही सेकंड प्रोजेक्ट है। लेफ्ट हैंड पे DLF न्यू टाउन हाइट सेक्टर 86, और राइट हैंड पे सफारी मॉल है, हॉलीडे इन 5-स्टार होटल है। ये 86 का सेकंड पार्ट आ जाएगा अब लेफ्ट हैंड पे जो न्यू टाउन हाइट का है, ये लेफ्ट हैंड पे, और इसी के साथ में DLF स्काई कोर्ट है। और आगे चौक आ जाएगा यूनिवर्सिटी चौक जिसको रंजीत चौक भी बोलते हैं, ये सिल्वर स्ट्रीट हॉस्पिटल है। और लेफ्ट हैंड पे ही 2 यूनिवर्सिटी बननी है, MIT यूनिवर्सिटी और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। राइट हैंड पे सेक्टर 90 है जिसमें न्यू टाउन हाइट प्रोजेक्ट है DLF का। अब ये आगे प्रोजेक्ट आ जाएगा बेस्टेक ग्रुप का, बाई नेम बेस्टेक संस्कृति, और इसी के अपोजिट में अपना प्रोजेक्ट आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी लैंड सेक्टर 93 सिग्नेचर ग्लोबल जो लग्जरी फ्लोर आए हुए हैं। तो ये लैंड है, ये मेन रोड रहेगा 84 वाइड मीटर रोड, इसी रोड के ऊपर ये अपना प्रोजेक्ट लोकेटेड है। आइए देखते हैं अंदर का पार्ट। एक अच्छी एंट्री है, बड़ा फ्रंट है डेवलपर के पास में यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हम लैंड के अंदर आ चुके हैं मेन एंट्री से, एंट्रेंस लेने के बाद। तो जस्ट एंट्री के बराबर में बेस्टेक ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, बाई नेम सन्स कुर्ती। और ये लैंड है, हमने यहाँ से एंट्रेंस किया था अभी, ये लैंड आ जाएगी। ये और ये सामने स्पेस ग्रुप का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 93 के अंदर ही है, जो कि एक ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है। और इसी के बराबर में ये DLF न्यू टाउन हाइट आ जाता है सेक्टर 90 के अंदर, और ये श्री वर्धमान ग्रुप का प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 90 के अंदर, और इसी के बराबर में यहाँ पे DLF के फ्लोर आए थे। तो ये थी यहाँ डेवलपर की लैंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कितने अच्छा गार्डन मेंटेन किया हुआ है डेवलपर जो है। यहाँ पे पहली बार आपको मैक्सिमम ग्रीन एरिया प्रोवाइड करा रहा है। लो डेंसिटी है, जो हमारा ऑलरेडी रेजिडेंस है उसके बिल्कुल बीचों बीच प्रोजेक्ट आ जाता है, और प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। सबसे मेन चीज क्या है, हाइपरमार्केट अंदर ही मिल रही है। यदि आप यहाँ पे दुकानों के अंदर भी बुकिंग कराना चाहते हैं तो दुकान भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सेकेंडली यहाँ पे क्लब है, पूल है, बड़े गार्डन हैं, सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल फैसिलिटीज हैं, अच्छे गार्डन हैं, लो राइज है और फुल्ली लोडेड है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ थीम के माध्यम से भी दर्शाया गया है।
तो अच्छी चीज़ें हैं, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 1 लाख रुपए से बुकिंग है और 1 लाख रुपए देख के 5 लाख रुपए का या तो डिस्काउंट करा सकते हैं या 5 लाख रुपए तक की कोई भी आप जो गाड़ी है हमारी फोर व्हीलर है वो ले सकते हैं, तो ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जो बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो ये थी हमारी सोसाइटी की अंदर की डिटेल, कितना हमारा एरिया है कम्प्लीटली। तो आज मैंने आपको एक कम्प्लीटली ही साइड विजिट कराई। यदि आप भी यहाँ पे एक साइड विजिट करना चाहते हैं तो मुझे कॉल करके आप साइड विजिट के लिए आ सकते हैं, मैंने अपना नंबर स्क्रीन पे दिया है। और आपको ब्राउचर की रिक्वायरमेंट है, पेमेंट प्लान की रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे कॉल करके वो जानकारी भी ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, पेमेंट प्लान ले सकते हैं। और जैसे कि अपना चैनल है सनशाइन कंसल्टेंट के नाम से, तो मैं आपके लिए चीज़ें अच्छी अच्छी लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपना जो मेन मोटिव रहता है सर्विस का, तो हम आपकी सर्विस को और बेहतर बनाते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, बेस्ट रेट देते हैं और हमेशा आपकी सर्विस में ही लगे रहते हैं, तो उसके लिए भी आप सर्विस जो हमारा पार्ट है उसका भी एक बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारे थ्रू यदि आप बुकिंग पर जाते हो तो वो सर्विस हमारी रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद जी।